हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, इलाहाबाद और लखनऊ से मैं सीधे अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए, लाइव अपडेट। देखेंगे दोनों जगह पे कौन किस पे भारी पड़ रहा है। यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि आज इलाहाबाद बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के और लखनऊ बेंच में दोनों जगह केस है, तो मैं आपको दोनों जगह की लाइव अपडेट दूंगा और देखेंगे कि इस समय अभी कोर्ट में क्या चल रहा है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है हम सीधे कोर्ट से आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है दोनों जगह आज कोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रयागराज में आज जो सुनवाई थी वो उसमें सुनवाई जो है वो नहीं हो चुकी है अभी तक। तो संभावना उसकी सुनवाई की भी संभावना में नज़र नहीं आ रही है। दो अलग अलग बेंच में सेम मैटर पर होने पे जहां पर एट लेंथ केस सुना जाता है उसी को दूसरी बेंच फॉलो कर लेती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी खबर है कि प्रयागराज में जो है वो अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो भी हमारी लखनऊ खंडपीठ उसका फैसला दे तो वही क्या कहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रयागराज जो बेंच है वो भी वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है कि प्रयागराज में अभी तक जो है वो केस स्टार्ट ही नहीं हो पाया है ये वाला। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि लखनऊ बेंच में क्या हो रहा है इस समय। तो ये देखिए दोस्तों, कट ऑफ प्रकरण पे 69,000 भर्ती लखनऊ बेंच में जो है वो सुनवाई जो है दोस्तों स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे काफ़ी धुआंधार बहस जारी है। यहाँ पे कट ऑफ समर्थक अधिवक्ताओं की और कट ऑफ को जो कम करवाना चाहते हैं अधिवक्ता, उनके बीच में काफ़ी ज़ोरदार बहस चल रही है। आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ समर्थकों की तरफ से सीनियर अधिवक्ता अनिल तिवारी जी सर की तरफ से जो है वो शानदार बहस की जा रही है। यहाँ पे 65 और 60 की ये जो कट ऑफ है उसे बचाने के लिए जो हमारे अनिल तिवारी सर जी हैं वो यहाँ पे काफ़ी काम कर रहे हैं और शानदार बहस उनके द्वारा देखने को मिल रही है। दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि किसके पक्ष में यहाँ पे निर्णय जाता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस बहस से तो अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते, क्योंकि अभी तो हमारे कट ऑफ जो समर्थक एडवोकेट हैं वही यहाँ लखनऊ खंडपीठ में बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमारा कट ऑफ वो जो कम करवाने वाले अधिवक्ता हैं वो जैसे ही कोर्ट में बोलना स्टार्ट करेंगे हम आपको लाइव अपडेट देंगे। तो फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी किसी का भी पक्ष जो है वो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे जो है वो भारी है या नहीं। और ये भी लग रहा है दोस्तों कि आज जो है वो फाइनल डिसीजन आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि आज भी कोई ना कोई डेट जो है वो मिल जाए। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि रोज़ सुनवाई होगी, तो देखने वाली बात है कि अब कब की डेट जो है वो मिलती है हमें। तो जैसे ही कुछ लाइव अपडेट आता है मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी लाइव अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। तो इस समय दोस्तों दिन के 4 बजने वाले हैं, लगभग 1 मिनट बाकी है। तो आप मेरे साथ पूरा बने रहिए और जो भी इसका डिसीजन होगा हम सबसे पहले अपने चैनल पर लाइव अपडेट आपको देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।